पर चलाया तीन ऐसे लोगों पर जो मुसलमानों के कामों से जुड़े हैं। हमने सवाल पूछे मौलाना बद्दी से, मुख्ताराबाद तकवी से और सफर सहेशवाला से। उन्होंने बड़ी बेबाकी से सारे ऑडियंस के सवालों का जवाब दिया, किसी सवाल को डक करने की कोशिश नहीं की। अब वक्त है आपकी अदालत में आज जज मौलाना कल्ब जब्बार के फैसले का। बहुत अच्छी बात सुरेश वाला जी साहब ने कही। ये भी बात मैं खुद भी कहता रहता हूँ कि छोटे मोटे लीडर जो कह रहे हैं हमें उस पर ध्यान नहीं देना। जो छोटे मोटे फलाने कह दिया जुमला कह दिया, फलाने जुमला कह दिया, फलाने जुमला कह दिया, हमको ये देखना है कि टॉप लीडरशिप में वो क्या कह रही है। हमको ये देखना है कि मोदी जी का क्या कह रहे हैं, हमें ये देखना है कि अमित शाह साहब क्या कह रहे हैं, हमें ये देखना है कि राजनाथ सिंह साहब क्या कह रहे हैं, हमें देखना है हमारे मुख्तार अब्बास साहब क्या कह रहे हैं। तो इनकी जबान से, इन लोगों की जबान से आज तक मुसलमानों के खिलाफ एक लफ्ज हमने नहीं सुना। 400 से ज्यादा तकरीरें भी की मोदी जी ने, लेकिन एक लफ्ज भी किसी भी फिरके के खिलाफ उनकी जबान से नहीं निकला। तो लिहाजा हमको इनको देखना है ये क्या कर रहे हैं, उनकी पॉलिसी क्या है, छोटे छोटे लीडर क्या कह रहे हैं, उनको बिल्कुल नजरअंदाज करना है, क्योंकि उसका जवाब ही यही है कि उनको नजरअंदाज कर दिया है। सही मालूम है डेमोक्रेसी उसी वक्त हिंदुस्तान में पैदा हो सकती है कि जब हम इसको वोट देख रहे दे रहे हैं, ये ना देखें कि हमारे जात का है, हमारे मजहब का, हमारे दीन का, हमारे धर्म का है या नहीं है, बल्कि ये देखें कि अच्छा आदमी है या नहीं, सही आदमी है या नहीं। आखिरी जुमला मेरा कि जनाब मुख्तार अब्बास साहब कि आप एक अकेले मुसलमान वजीर हैं कैबिनेट में, लिहाजा आप मुसलमानों और गवर्नमेंट के दरमियान लिंक बने, मुसलमानों पर पास जाकर उनकी जो समस्याएं हैं वो समझें और गवर्नमेंट के पास जाकर उन समस्याओं के हल करने की कोशिश करें। ये आप जिम्मेदारी पूरी लें। ज्यादा आप सब हजरात को इंटरव्यू रिलीफ दी जाती है अदालत की तरफ से कि आप जाकर ज्यादा क्या करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस मुकदमे से कई अच्छी बातें निकल कर सामने आई। पहली बात ये कि इस देश में बदलाव की एक बयार बह रही है। नरेंद्र मोदी ने माइनॉरिटीज को जो भरोसा दिलाया लोग उस पर यकीन करते हैं और उम्मीद करनी चाहिए कि बातचीत का दौर शुरू होगा, डायलॉग शुरू होगा और वाकई में इस देश में शांति होगी, इस देश में सब लोग मिलकर चलेंगे, भाईचारा होगा, इस उम्मीद के साथ, यकीन के साथ आज का मुकदमा यही खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, एक नई